नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में लगातार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये जो पूछे ही जाते हैं। इनको सॉल्व करेंगे कम से कम टाइम में, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये SSC के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस में से कुछ हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a²-b² = 19, तो a का मान ज्ञात करिए। जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले जो आपको गिवन में इक्वेशन है इसको आप लिख लेंगे। यानी कि अगर इसको ध्यान से देखें, a²-b² = 19, हम सभी को a²-b² का फॉर्मूला पता है, जो कि होता है a - b and a + b = 19। यानी कि a - b multiplied by a + b = 19 हो जाएगा। हम इस 19 को multiplied by 1 भी लिख सकते हैं। और ध्यान से आप देखेंगे, अब हम करेंगे कंपैरिजन, यानी कि इसका कंपैरिजन इक्वल टू के उस तरफ से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a - b = 1 लिख सकते हैं, a + b = 19 आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे a + b और a - b ऐसे लिख के इसका कंपैरिजन सिंपली आप कर सकते हैं। जैसे आप ऐसा कंपैरिजन करेंगे, आपको a + b = 19 मिल गया, a - b = 1 मिल गया। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a = 10, b = 9। यानी कि जहां से a की वैल्यू आ रही है 10, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा d सही हो जाएगा। आपसे a का मान ही पूछा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके की सीरीज है, ये मिक्स फ्रैक्शन की सीरीज है, इसको सॉल्व करना है आपको। चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा सही होगा वो चेक करना है। इसको करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि जब भी इस तरीके से आपको मिक्स फ्रैक्शन में सीरीज गिवन हो, आप मिक्स फ्रैक्शन को इस तरीके से तोड़ेंगे कि हर किसी का जो कंप्लीट डिजिट होगा उसको अलग अलग लिख लीजिए। यानी कि 1 + 11 + 111 + 1111, इसको अलग लिख लेंगे। और इसके बाद इसमें आपको प्लस करना है क्या, 1/2 जितने भी टाइम्स आ रहा होगा उतने टाइम्स इसको प्लस कर दीजिए। यानी कि 1/2 आ रहा है 4 times, तो उसको 4 times हमें प्लस करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे आपको वन टू थ्री फोर थ्री टू वन, यानी कि आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1, 2, 3, 4 प्लस इसकी वैल्यू निकालेंगे तो प्लस 2 आएगी। यानी कि आंसर आ जाएगा 1236, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सीरीज है कुछ इस तरीके की कि डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से हो रहा है कि 1, 2, 2, 3, 3, 4, ठीक है, इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। जब भी इस तरीके का आपको मिलेगा तो आपको कैसे ब्रेक करना है उसको आप देख लीजिए। इसको आपको इस तरीके करना है, 1/1/2 को आप लिख सकते हैं 1 - 1/2, अगेन 1/2 × 3 को आप लिख सकते हैं सेम ऐसे ही 1/2 - 1/3, सेम ऐसे ही इसको आप लिख सकते हैं 1/3 - 1/4, और लास्ट टर्म को आप ऐसे ही लिख सकते हैं 1/1/99 - 1/100। अब ध्यान से देखेंगे कि सीरीज में क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि हर सेकेंड टर्म दूसरे के फर्स्ट टर्म से कट जा रहा है, यानी कि ये इससे कट जाएगा, ऐसे ये इससे, और ऐसे ही ये कटता जाएगा। लास्ट में आपको ये भी कटने के बाद सिर्फ यही टर्म मिलेगा, और ये पहला,
तो यानी कि फर्स्ट टर्म लिखिए 1 और लास्ट टर्म में 1 माइनस 1 अपॉन 100, ठीक है। जैसे ही आपको इस तरीके का पैटर्न दिख जाएगा तो आपको पहला वाला नंबर उठाना है और जो सबसे लास्ट में बच रहा है उसको उठाना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि एलसीएम लेंगे 100, ऊपर आएगा 99, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके की सीरीज है माइनस में, इसको देख लीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो एसएससी अक्सर पूछती है। इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 3 एलसीएम लेने के बाद 3 माइनस 1 यानी कि 2 अपॉन 3 बचेगा, सेम एज 3 अपॉन 4 बचेगा, 4 अपॉन 5 बचेगा और ऐसे ही जाते जाते n माइनस 1 अपॉन n बचेगा। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले टर्म का डिनोमिनेटर अगले के न्यूमरेटर से कट जाएगा और यही सीरीज आगे चलती रहेगी, यही पैटर्न आगे फॉलो होता रहेगा। और यानी कि इसका भी न्यूमरेटर कट जाएगा और डिनोमिनेटर बचेगा, यानी कि सबसे फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर लिख लीजिए और लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर को लिख लेंगे हम, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न जब भी आपको मिलेगा तो आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म को लिखना है सॉल्व करके और उसका न्यूमरेटर और लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और एसएससी के जो अक्सर पूछे जाते हैं। इसी तरीके के और भी सवालों का देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।